बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आज हम बनाएंगे किचन विचन में आलू के पराठे। तो आइए चलते हैं किचन विचन में। आलू के पराठे बनाने के लिए जो सामान आपको चाहिए उसमें शामिल हैं आलू 1 किलो, प्याज चॉप्ड 2 अदद, हरा धनिया चॉप्ड हसबे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें चॉप्ड चाहिए 5 अदद, नमक 1 बड़ा खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच, अनारदाना जिसको मैंने कूट लिया है 2 खाने के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हसबे ज़रूरत हरा पुदीना चाहिए हमें चॉप्ड, ऑयल चाहिए पराठे तलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें आलू शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें सारा सामान शामिल करेंगे। हरा धनिया डालेंगे, नमक, पुदीना, प्याज, अनारदाना शामिल करेंगे, हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला, सुर्ख मिर्च पाउडर, ज़ीरे और धनिए को इस तरह से मसल के डालेंगे। इसी तरह धनिए को भी करेंगे। अब सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पराठों का मटेरियल बिल्कुल तैयार हो चुका है। घर में जो नॉर्मल आटा होता है वही आप यूज़ कर लें। और अब मैं आपको बताऊंगी कि पराठों के लिए इस तरह से 2 छोटे साइज़ के आपने पेड़े करने, इतने इतने साइज़ के आप 2 पेड़े कर लें। फिर हम पेड़े बनाने के बाद आलू की फिलिंग करेंगे इसमें इस तरह। इस तरह से आपने एक छोटी सी रोटी बना लेनी है और इसको हम बेलेंगे, गोल बेल लेंगे हम, थोड़ा सा खुशबू लगाएं। इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। जितनी बड़ी आप पहली रोटी बेलें सेम उतनी ही साइज की दूसरी बेलें। इस तरह से थोड़ा सा खुश्क आप स्लैब पे डाल लें और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। जितनी चाहे आप फिलिंग कर लें, अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद हैं तो ज़्यादा डाल लें, थोड़े डालना चाहते हैं तो थोड़े डाल लें। पहले वाली रोटी जो बेली हुई थी इस तरह से आप ऊपर रखेंगे और साइड से यूं प्रेस करेंगे।
दोनों साइड से अच्छे तरीके से कर लें। हल्का सा खुशबू लगाएं और इसको बिल्कुल लाइट लाइट एक बार फिर से बेल लें। पराठा बेलने के बाद इस तरह का हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब हम इसको फ्राई करने के लिए तवे पे डालेंगे। इसको हम तवे पे आराम से डालेंगे इस तरह से। थोड़ा सा जब ये सिकना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाएंगे, आप लोग घी से, मक्खन से और ऑयल जिससे चाहें आपको अच्छे लगते हों पराठे उससे फ्राई कर सकते हैं। एक साइड हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम पराठे की साइड चेंज करेंगे। मुझे हाथ से साइड चेंज करने की प्रैक्टिस है तो मैं हाथ से कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चिमटा वगैरह का इस्तेमाल करिएगा ताकि हाथ जले नहीं। अब दूसरी साइड के लिए ऑयल डालेंगे। गर्मा गर्म और मज़ेदार आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं। चाय या दही के साथ आप नाश्ता करें और मज़े करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।